हेलो एंड नमस्ते, मैं हूं अनुष्का चांडक, आपकी कथक इंस्ट्रक्टर। तो स्थिर हस्तक इधर ऐसा भी बन सकता है या ऐसा भी बन सकता है। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, लेकिन वो वेरिएंट्स को समझने के लिए इसका जो यूज़ केस है, मतलब आप इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे, ये पहले जान लेते हैं। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, आप इसको एक फुल स्टॉप की तरह देखेंगे। ये अनडेविएटिंग है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसीलिए जब आपको एक पॉज लेना है तब आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये सोचते हैं कि आप पॉज कहाँ कहाँ लेते हैं परफॉर्म करते वक्त, स्टार्टिंग से पहले। तो स्टार्ट करने से पहले आप स्थिर हस्त में खड़े हो सकते हैं और फिर एंट्री ले सकते हैं आपकी स्टेज में। सो ये एक यूज़ केस है, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा भी एक यूज़ केस है, यानी कि एग्ज़िट लेते वक्त, कि आपकी कॉम्पोजिशन शायद जस्ट ख़त्म हुई है और अब आपको एग्ज़िट लेना है, तब आप स्थिर हस्तक का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक और यूज़ केस है, जब आप कॉम्पोजिशन ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट कॉम्पोजिशन शुरू होने में कुछ समय बाकी है, यानी आपने यहाँ शायद कॉम्पोजिशन ख़त्म कर ली है और कुछ समय के लिए आपको बस एक स्टांस में खड़े रहना है स्टेज पर, तो आपने स्थिर हस्तक ले लिया और उसके बाद फिर से वो रिलीज़ करके नेक्स्ट कॉम्पोजिशन की शुरुआत की। तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है। जैसे कि हमने पहले इस बारे में बात की थी कि आप इसे कैसे पकड़ते हैं, वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाना चाहूँगी। मान लीजिए कि ये स्टेज की विंग है और यहाँ से मैं आगे जाना चाहती हूँ, एंटर करना चाहती हूँ स्टेज पे। तो जनरली अगर मैं अपना पैर टी में रखूँगी तो आसानी हो जाएगी मुझे आगे बढ़ने में, क्योंकि मेरा जो राइट पैर है वो खुला हुआ है, यहीं से मैं आगे जा सकती हूँ राइट पैर को लेकर। तो यहाँ पे मेरे पैरों का टी बनाना ही सबसे आसान होगा, सबसे एफिशिएंट होगा। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एंटर करना चाहती हूँ तो मैं अपने हाथों को कुछ इस तरह से रख सकती हूँ, जहाँ पे मेरी चिन और मेरी नाक और मेरी आँखें मेरे उत्पत्ति वाले हाथ के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, ताकि वो डायरेक्शन में ही मैं आगे बढ़ पाऊँ मेरी एंट्री के लिए। लेकिन अगर आप इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट एग्जांपल लें, यानी शायद मैं अब चलकर एंट्री ले रही हूँ लेकिन मुझे घूमकर एक स्पिन लेकर पीछे जाना है, शायद वो एग्ज़िट हो सकती है। शायद अगर आप एक ग्रुप में नाच रहे हैं तो आपकी पोजीशन हो सकती है पीछे नेक्स्ट कॉम्पोजिशन के लिए। तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं क्रॉस फीट, ताकि आप घूमकर पीछे आ पाए। तो इस तरीके के बहुत सारे आपको इंस्टेंसेस विद प्रेजेंस ऑफ माइंड टटोलने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पहले या उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। पहले वाली और बाद में वाली मूवमेंट से डिसाइड होता है कि आप स्थिर हस्तक को कैसे पकड़ते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक जुगलबंदी चल रही है आप में और आपके साथ जो तबला बजा रहे हैं उनमें। तो ऐसा हो सकता है कि एक कॉम्पोजिशन जब वो बजा रहे हैं तो आपको पॉज लेना है, लेकिन आपको उनकी तरफ देखना भी है, यू वॉन्ट टू सी कि वो क्या प्ले कर रहे हैं, राइट। सो ऐसे वक्त में आप कुछ इस तरह से खड़े हो सकते हैं ताकि आप उन्हें देख पाए, राइट, और आपके पैर भी टी में से ईजिली रिलीज़ कर पाएंगे आप। अगर आपको वो नहीं करना है, अगर आपको डांस के लिए रेडी होना है, एक स्पिन लेकर फिर अपनी कॉम्पोजिशन शुरू करनी है अगली, तो आप उनके पास कुछ ऐसे देख सकते हैं, ताकि एक स्पिन लेकर आप अपनी कॉम्पोजिशन की स्टार्टिंग कर पाए। या फिर अगर आप ग्रुप में अगर डांस कर रहे हो तो आपके साथ वाले जो डांसर्स हैं उन्हें आप डांस करने का मौका देते हैं और आप फ्रीज हो जाते हैं स्थिर हस्तक में। तो ये कुछ इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो ये था आज का हमारा लेसन। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो। हमारे नए लेसन्स आते हैं हर वेनसडे और फ्राइडे को, तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारे सारे अपडेट्स आपके नोटिफिकेशन में दिखते रहे। अगली क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप डांसिंग।